हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और मैं हूं इस समय चेतक के शोरूम में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं चेतक के शोरूम में। एक जमाना था जब चेतक नाम से सिर्फ एक स्कूटर आया करता था, और उस समय क्या था, बजाज चेतक के नाम से एक स्कूटर प्रोडक्शन में रखता था। बट आज का जमाना वो है कि यहाँ पर आपको चेतक नाम जो है वो ब्रांड बन चुका है, और उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मिलने वाले हैं। बजाज ने चेतक नाम से नाम तो जो है उसे अब एक ब्रांड बना दिया है, और उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस में स्कूटर इलेक्ट्रिक देखने के लिए मिलने वाले हैं। और मेरे साथ में है ये बजाज का ब्लू 92901, और ये वाला जो है ये बजाज का चेतक के वेरिएंट्स में आने वाला सबसे सस्ता स्कूटर है, और काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। काफी सारी बढ़िया इसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, काफी अच्छी डिटेल्स मिलने वाली हैं। सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो चलिए ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ओवरव्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट ओवरऑल व्यू और फ्रंट डिजाइन से। तो सबसे पहले जो चीज नोटिस करने वाली है, इसके जो अभी तक आपने नॉर्मल स्कूटर जो आप इसके अभी तक जो चेतक के अंदर आप स्कूटर्स देखते आ रहे थे, उसमें क्या होता था कि कीलेस एंट्री हो जाती थी। बट अभी क्या है, इस वाले स्कूटर में आपको की के साथ एंट्री देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि आप ये मेरे हाथ में की देख रहे हो। और चलिए सबसे पहले इसका फ्रंट दिखा देता हूं मैं। फ्रंट में यहाँ आपको वही लाइट देखने मिलेगी, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। यहाँ आपको डीआरएस के साथ में एलईडी लाइट नजर आ जाएगी। नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ आपको सेम वही फ्रंट का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपको चेतक की ब्रांडिंग नजर आ जाएगी, और यहाँ इंडिकेटर्स साइड में नजर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो ऊपर की जो बॉडी है वो फुल मेटल बॉडी नजर आएगी, मतलब कि ऊपर की तरफ अपर बॉडी जितनी भी है वो पूरी तरीके से मेटल बॉडी है। चेतक जो है बिल्ड क्वालिटी में नंबर वन माना जाता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नजर आती है। बात करूं मैं फ्रंट टायर की, तो यहाँ आपको फ्रंट के अंदर 90x90 का 12 इंच का अलॉय व्हील नजर आएगा ड्रम ब्रेक के साथ में, और ट्यूबलेस टायर यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस स्कूटर में ये स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, मतलब स्प्रिंग लोडेड फ्रंट में सस्पेंशन नजर आ जाएगा, जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में काफी अच्छी आपको कंफर्ट आगे से फील दिलाएगा। बात करूं मैं साइड इंटीरियर की, साइड डिजाइन की, तो साइड इंटीरियर अगर आप देखोगे तो साइड से आपको काफी अच्छा फील आएगा, और साइड में यहाँ देखोगे इंटीरियर में आपको बहुत अच्छा स्पेस नजर आ जाएगा, और आगे की तरफ ये दो बकेट्स नजर आ जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ एक क्लिप नजर आएगी, जिसके अंदर आप कुछ सामान वगैरह इजीली टांग सकते हो। इस जगह पे ये की के साथ एंट्री हो जाएगी, यहीं से आप इसी जगह से आप बूट स्पेस ओपन कर सकते हो। इजिली आपको पुश करना है, देन बूट स्पेस इजिली ओपन हो जाएगा। यहाँ बूट स्पेस जो है वो आपको लगभग 21 लीटर्स का अंदर बूट स्पेस नजर आएगा, जिसके अंदर देखोगे काफी सारा स्पेस है। यहाँ आप इजिली एक हेलमेट रख सकते हो हाफ फेस। यहाँ आपको चार्जिंग पोर्ट नजर आ जाता है, लगभग 6 घंटे में स्कूटर फुल चार्ज हो जाएगा। और बात करी जाए रेयर लुक की, तो रेयर लुक में आपको काफी अच्छा लुक्स और डिजाइन ऑफर करता है चेतक। यहाँ देखोगे आपको चेतक की बैजिंग भी नजर आ जाती है। साथ ही साथ बात करी जाए रेयर की लाइट्स और रेयर की टायर वगैरह की, तो लाइट्स अगर आप देखोगे तो लाइट आपको क्वालिटी काफी अच्छी देखने मिलती है, और साइड से लुक जो है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील दिलाता है। ग्रैब हैंडल यहाँ है, ग्रैब हैंडल की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया निकल के आती है, काफी बढ़िया यहाँ बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है। बात करिए रेयर टायर की, तो यहाँ आपको 90x90 का 12 इंच का अलॉय व्हील रेयर में भी नजर आ जाएगा, अलॉय व्हील यहाँ भी नजर आएगा, ट्यूबलेस टायर यहाँ भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ इसके मीटर की, तो पहले ओवरव्यू ऊपर से नजर डाल देते हैं। कुछ इस तरीके का ऊपर से लुक्स और डिजाइन ऑफर करेगा चेतक अपने इस स्कूटर में। और यहाँ देखोगे आपको जो सबसे पहले यहाँ से शो होगा ये गोल सर्कल, गोल सी शेप में इसका मीटर शेप होगा, जिसके अंदर आपको सारे जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो फुल डिजिटली देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसके अंदर सारी चीजें नजर आ जाती हैं। यहाँ आपको दो मोड्स नजर आएंगे, इको और स्पोर्ट। बाकी का इसके अंदर एक और फीचर ऐड होता है, या फिर कहने एक और चीज एडिशनल ऐड की है, जो कि है टैग पैक, जिसमें आप अगर टैग पैक परचेज करोगे तो आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स हैं, लगभग 3 फीचर्स वो एक्स्ट्रा देखने मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ रिवर्स मोड ओपन हो जाएगा टैग पैक में, और हिल होल्ड आपको नजर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में कॉल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स भी आप यूज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा 3,000 रुपये लगभग आएगी। बाकी प्राइसिंग से लेके अभी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। बात करिए इसके हैंडल बार के ऊपर स्विचेस की, तो हैंडल बार के अंदर आपको सारे स्विचेस जो हैं वो नॉर्मल से देखने के मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ ऑन हो गया साइड इंडिकेटर जैसे, और यहाँ हाई बीम लो बीम जैसे लाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरी तरफ भी आपको सारे बटन्स नजर आ जाएंगे। बाकी का
इसका आपको बैटरी और मोटर के बारे में अगर बताऊं तो यहाँ आपको 2.88 किलोवाट आवर बैटरी पैक नजर आएगी, साथ ही साथ इसकी जो मोटर है वो आपको 3 किलोवाट मोटर नजर आ जाएगी। लगभग 6 घंटे में फुल चार्ज होगा। अभी बात कर ली जाए इसकी रेंज की, तो रेंज जो है जो कंपनी की तरफ से क्लेम की जा रही है वो है 123 किलोमीटर फुल चार्ज होने पे, मतलब कि 123 किलोमीटर कंपनी की तरफ से रेंज आपको ऑफर की जा रही है, जो कि ट्रू रेंज कस्टमर रिव्यू जो है वो 111 किलोमीटर ट्रू रेंज निकल के आएगी। बात करिए इसकी टॉप स्पीड की, तो यहाँ ये टॉप स्पीड जो देगा वो आपको देगा 63 की टॉप स्पीड, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी वैल्यूएबल इसकी टॉप स्पीड बन जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या ही स्पीड आप लेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर से। बात करिए इसके राइवल्स की, तो राइवल्स अब तक के भारतीय बाजार में मेरे हिसाब से दो ही तीन माने जाएंगे, जो कि होगा ओला, एथर और TVS iQube। TVS iQube में आपको बेस मॉडल लगभग इतने में ही देखने में मिल जाएगा, बाकी ओला के अंदर आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेगा, और लगभग लगभग एथर के अंदर आपको थोड़ा सा कॉस्टली जरूर पड़ जाएगा, और ओला के अंदर भी आपको लगभग इसी रेंज में एक स्कूटर देखने के लिए मिल जाता है। अभी बात कर ले तो इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, अगर ये प्राइस वैल्यूएबल बनता है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। अब चेतक ने क्या किया है, चेतक ने इसकी प्राइसिंग को वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए इसको कम किया, जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें कम कर दी, जैसे कि बैटरी और मोटर की कैपेसिटी वगैरह को चेंज करके थोड़ा सा कम किया, जिससे कि कॉस्ट कटिंग हुई, और कॉस्ट कटिंग हुई जिससे कि ये स्कूटर कस्टमर की जो रेंज है, जो बजट है, उसमें निकल के आया। अभी बात करिए इसके प्राइसिंग की, तो दिल्ली में एक शोरूम इसका 95,000 है, और अभी हमें गाज़ियाबाद के अंदर लगभग 1,00,000 का इसका एक शोरूम नज़र आएगा। बात करिए इसके ऑन रोड की, तो लगभग 1,08,900 लगभग इसका ऑन रोड निकल के आएगा, जिसके अंदर आपको कंपनी से 4,000 तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके अंदर लगभग आपका 1,05,000 तक ऑन रोड बनेगा। और बात करिए टेक पैक की प्राइसिंग की, तो इस कॉस्ट से अलग आपको टेक पैक की कॉस्टिंग लगभग इस कॉस्टिंग से अलग आपको 3,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देन उसके बाद आप टेक पैक के जो फीचर हैं उनकी सुविधा ले सकते हैं। कंपनी ने एक और खास चीज पे ध्यान रखा है, जो कि इसके अंदर आप अगर शुरू में परचेज करते हो इस स्कूटर को, तो इसमें टेक पैक लाइक एक्सपीरियंस करने के लिए लगभग कुछ लिमिटेड किलोमीटर्स तक आपको ऑफर किए जाएंगे, फीचर्स आप इजिली यूज कर सकते हो, देन उसके बाद आप पे डिपेंड करेगा आप वो फीचर्स लोगे या नहीं लोगे। 3,000 में ये लाइफ टाइम के लिए ऑन हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। अभी बात करूँ जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, अब आप मेरे को बताना कि इतनी प्राइसिंग में स्कूटर आपको कैसा लगा, इतनी प्राइसिंग में जो चेतक इसके अंदर ऑफर कर रहा है वो सारी चीज़ें आपको कैसी लगी हैं, बाकी का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी किसी भी चीज़ के बारे में मैंने कोई डिटेल मिस की है तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड किसी और तरीके की वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा।